गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है दोस्तों 13 फरवरी 2019 और 13 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले दोस्तों, आशिकों के नवरात्रे का आज सेकंड लास्ट डे है। कल तो ये पूरे हो रही है नवरात्रे। आज किस डे मनाया जाता है? तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी चुमा डे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है आज का, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में आयोजित स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया है और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम का अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है। और यहाँ पे ही इन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है और साथ ही साथ कई पुरस्कार भी वितरण किए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये है हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, स्वच्छ शक्ति जो है वो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी की जयंती पे शुरू किया गया था। और ये लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। तब तक जितने भी भारत में गांव हैं या शहर हैं उनको खुले में शौच मुक्त करना एक सबसे पहला लक्ष्य है। इसी से स्वच्छता आएगी, ठीक है। और स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को ही। चलिए, बात हरियाणा की हुई है तो ये मैप में देखिएगा आप। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं चंडीगढ़ राजधानी को। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये हरियाणा है। हरियाणा की खास बात है, भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला हरियाणा ही राज्य था। वैल्यू एडिड टैक्स, इतना याद रखिएगा आप। और ये बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग होकर बना था। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस सरकारी इमारत में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मकद ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में संसद का केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री की पेंटिंग का अनावरण किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये जो दिख रही है आपको संसद है और इसी के अंदर ही ये जो पेंटिंग है उसका अनावरण किया गया है, उसके भीतरी कक्ष में किया गया है ऑयल पेंटिंग का। और राष्ट्रपति ने ये चित्र बनाने वाले चित्रकार कृष्ण कन्हाई को भी सम्मानित किया है। ये बनाया है कृष्ण कन्हाई ने और इसको फोटो को लगाया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में, जो आपको मैंने अभी दिखाया है। अच्छा, बात आई है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, उस दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, या सुशासन दिवस। और एक इंपॉर्टेंट है, ये भारत में सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं ये। इन्हीं के नाम पर 2-3 जगहों के नाम बदल दिए गए, वो इंपॉर्टेंट है। एक छत्तीसगढ़ की राजधानी को नया रायपुर की जगह अटल नगर कहने लग गए हैं। देहरादून एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट रखा गया है। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम है, एक एकांक क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम बदलकर भी अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। और एक गुजरात का गांधी सरस्वती घाट है, उसका नाम बदल के भी साबरमती घाट है, उसका नाम बदल के भी अटल घाट कर दिया गया है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 पाकिस्तानी छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 20,000 पाकिस्तानियों को जो स्कॉलरशिप देगा वो चीन देगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन सही है, पाकिस्तान में चीन के राजदूत हैं याओ जिंग, इन्होंने ही कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क व संचार बढ़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों देशों के बीच अधिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। और इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। कर लो तुम तो इसके साथ ही कर लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सारी योजना फेल हो जाएगी चीन वालों। जो तुम कह रहे हो ना, हमने ये बना दिया और वो कर दिया और मोबाइल और ये वो, हाँ पाकिस्तानियों के साथ मिलो अब तुम। चलिए, ये चीन की बात आई है तो ये देख लो आप मैप में, चीन है, ठीक है। और चीन की राजधानी तो बीजिंग है ही, चीन की करेंसी है रिनमिनबे और चीन के राष्ट्रपति है आपके सी जिनपिंग। और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते, चलो कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, खतरा ही है हमारे लिए ये। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो क्रिकेटर इमरान खान है और यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, राजधानी इस्लामाबाद है।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2000 रुपये अधिक सहायता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको 2000 रुपये देने की घोषणा की है, और साथ के साथ एक यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है इड्डापड्डी के प्लानी स्वामी, उन्होंने कहा है वहाँ पे एक चक्रवर्ती तूफान आया था गाज़ा, उससे उसी वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसी वजह से ये 2000 रुपये और टोटल जो रुपये आवंटित किए गए हैं वो हैं 12,000 करोड़ रुपये, ताकि लोगों को वित्तीय सहायता मिल सके। अच्छा, बात आई है तमिलनाडु की, तो ये मैप में देखिएगा आप, तमिलनाडु यही है मुख्यमंत्री इड्डापड्डी के प्लानी स्वामी आपके, यहाँ के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, राजधानी है चेन्नई आपकी, यहाँ पे कन्याकुमारी पॉइंट पड़ता है जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है स्थल बिंदु का, वैसे सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, लेकिन वैसे स्थल बिंदु में स्थल जगहों में कन्याकुमारी आपका आता है, ठीक है, इतना हमें याद रखना है इससे। और तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह भी है, चेन्नई बंदरगाह ही है खुद एक आपका सबसे पुराना, इसके अलावा अन्नोर है, तूतीकोरन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान का दौरा किया और अक्षय पात्र फाउंडेशन के 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृंदावन का दौरा किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका वो सही है, और ये वो फोटो में दिख रहे हैं आपको बच्चों को खाना परोसते हुए, अक्षय पात्र फाउंडेशन के तहत इन्होंने 300 करोड़वीं थाली में खाना परोसा है। ये अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या है, ये देश में लाखों बच्चों को मिड डे मील मुहैया करवाता है आपका, तो इतना याद रखना है हमें। अच्छा, बात वृंदावन की आई है, तो वृंदावन तो आप सभी जानते ही हो, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की नगरी है वो, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जब भी आया है तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक तो लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे, एक लखनऊ है नवाबों का शहर, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है राम नाईक, इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार के कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है मणि मेखलई ए को कार्यकारी निदेशक बनाया है कैनरा बैंक को, कैनरा बैंक का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और निदेशक तो इन्हें बना ही दिया गया है मणि मेखलई को, ठीक है। और इस आदेश के मुताबिक मणि मेखलई जो है वो की नियुक्ति फिलहाल 3 साल के लिए की गई है, इनका जो कार्यकाल है वो भी 3 साल के लिए किया गया है फिलहाल के लिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार, ये डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो व्यक्ति हैं आपके संजय सुब्रमण्यम, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है हमारा सही, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है संजय सुब्रमण्यम, और इन्हीं को ही चुना गया है अब इजराइल के प्रतिष्ठित अवार्ड डैन डेविड पुरस्कार के लिए। इनका एक वृत्त इतिहास में अपने लिए आपातकालीन आयाम श्रेणी में इन्होंने अवार्ड जीता है, इनका इतिहास है अतीतकालीन आयाम, ठीक है, उनके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। अच्छा, बात इसराइल से हो रही है तो इसराइल की राजधानी क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चलो, इसराइल की राजधानी यरूशलेम है, करेंसी न्यू सेकेल है, आप मुझे वहाँ के राष्ट्रपति का नाम कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु किस स्थान पर पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है दरभंगा स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका वो सही है आपका। इन्होंने ये कहा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कि दरभंगा जो स्थान है आपका, यहाँ पे मिथिलाक्षर संरक्षण संवर्धन और विकास के लिए एक पांडुलिपि केंद्र है उसकी स्थापना की जाएगी। बात आई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो वर्तमान में हमारे ये जो मंत्री है उनका नाम क्या है, उनका नाम है हमारा प्रकाश जावड़ेकर, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया है, तो उसका नाम भी वही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, सॉरी, तो वो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही है आपका, HRD डिपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने 4 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को आजीवन कर छूट देने का फैसला किया है? वाह,
ये होता है तुक्काहम, ये किया है अंगरी ने, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका सही है। अंगरी की जनसंख्या लगातार घट रही है और आबादी को घटता देख यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर आर्बन ने ये नीति लागू की है। उन्होंने कहा है कि 40 साल से कम उम्र की जो महिला है अगर वो शादी करती है तो शादी करते उसे 25 लाख रुपये का लोन दे देंगे बिना ब्याज के, और अगर उसने तीसरा बच्चा पैदा कर दिया, 3 बच्चे कर दिए यानी कि, तो सारे का सारा लोन भी माफ़ हो जाएगा। और अगर 4 या 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो जो लोन लिया, जो आपका जितना भी टैक्स होगा आगे की ज़िंदगी पे उस पैसा पे, वो कभी टैक्स भी नहीं लगेगा, यानी कि कर भी नहीं लगेगा। और अगर 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा और करती है वो, मतलब 5 कर देती है आपके लिए, तो आपके लिए क्या करेगी, अपने लिए करेगी, 4 या 5 कर देती है तो उसे 6 लाख रुपये की मदद देगी, 7 सीटर गाड़ी देगी सरकार वहाँ की। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री विक्टर आर्बन है उन्होंने ये कहा है कि प्रवासी जो लोग हैं वहाँ की जनसंख्या को, मतलब प्रवासी लोगों पे इतना ध्यान नहीं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं जनसंख्या घट रही है इसलिए उन पे ध्यान दिया जाना इसलिए ज़रूरी है। ऐसा इसलिए किया है उन्होंने क्योंकि वहाँ पे 97.8 लाख की जनसंख्या टोटल, और हर साल क्या हो रहा है 32,000 लोग कम हो रहे हैं, ठीक है। औसत अगर महिलाओं का जनसंख्या निकाला जाए ना वहाँ पे तो 1.45 बच्चे ही है, यूरोपीय संघ के अनुसार मतलब 1.58 से भी कम है, ये बहुत कम है जनसंख्या। तो ऐसा इन्होंने किया है। वैसे दुनिया में आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है अफ्रीका की है, 7.24 बच्चे बनते हैं प्रति महिला, और अफ्रीका में भी नाइजीरिया देश की है आपकी, वो भी याद रखना है आपको। तो ये हंगरी ऐसा करने वाला बहुत बढ़िया है भाई, भारत में शुरू करके देखो दिखा, मैं कहता हूँ लाइन लगा देंगे सारे सारे अवार्ड वगैरह। एक रूस भी ऐसा देश अगर आपको पता हो तो, रूस में 12 बच्चे पैदा करने पे एक लेनिन मदर अवार्ड दिया जाता है, 1 लाख रूबल, एक लग्जरी गाड़ी दी जाती है। भारत में शुरू करके देखो, करके तो देखो हम तो भाई साहब, ये यहाँ पे 97 पॉइंट आपकी कुछ जनसंख्या, 97.8 लाख की जनसंख्या यहाँ की टोटल, और हमारे भारत के अकेले उत्तर प्रदेश की 19.6 करोड़ है। लो हम तो मेहनती भारतीय बहुत हैं। चलिए हंगरी की बात आई है तो हंगरी देख लो मैप में, ये हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। और यहाँ के आपको मैंने प्रधानमंत्री का नाम तो बता ही दिया है, प्रधानमंत्री है विक्टर आर्बन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस प्राचीन भाषा और लिपियों के प्रचार के लिए एक समिति की सिफारिश लागू करने के लिए कहा है। तो अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मैथिली भाषा की एक समिति को लागू करने का निर्णय किया है। ये जो आपको दिख रही है ये मैथिली है भाषा लिखी हुई, ठीक है, अपन बुद्धि या विवेक चक आओर सबक दर ऐसे कुछ जो भी लिखी हुई है ये मैथिली भाषा है। और मानव संसाधन विकास मंत्री जो है उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उतना भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय युद्ध पोत ने एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास कल्टस एक्सप्रेस 2019 में भाग लिया है। तो इसका नाम है INS त्रिकंद, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा, INS त्रिकंद। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है INS त्रिकंद, और इसी ने अभी हाल ही में हिस्सा लिया है कटलास एक्सप्रेस 2019 में भाग लिया है। ये 27 जनवरी से 6 फरवरी 2019 तक आयोजित किया गया था, ये 9 दिवसीय भाग था। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था जैसे कैमोरोस, जिबूती, फ्रांस, भारत, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, सेशेल्स, रोमालिया, तंजानिया, नीदरलैंड, अमेरिका, ये कई सारे देश थे जिसमें इन्होंने, इन सभी देशों ने इसमें हिस्सा लिया था आपका, तो इतना हमें याद रखना है। अच्छा बात आई है नौसेना से, हमारे नेवी के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है सुनील लांबा, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा नेवी डे कब मनाते हैं हम लोग, ठीक है, नेवी डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस महीने में और किस तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाता है बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन्होंने किए हैं अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, जो आप सोचते हो वो चीज़ बिना कहे मतलब एग्जीक्यूट हो जाना, और इसके लिए इन्होंने कुछ जो है वो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आने वाला जो
मतलब भविष्य है या बच्चे हैं या लोग हैं उनमें स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके, ठीक है। मतलब बिना बताए अपने आप पहले ही अगर माइनर सा भी डिफेक्ट आता है बॉडी में तो पता लग सके, इसलिए ऐसा किया है। बात अमेरिका की आई तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो करेंसी है वो आपकी है डॉलर। चलो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 2018 में कितनी बार झूठ बोला है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक आंकड़ा आया था न्यूज़पेपर में, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद होगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 12 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, यह किस राज्य में है? ये हरियाणा के झज्जर में है, झज्जर के बाडसा में है भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो कि अभी लॉन्च हुआ है। बात हरियाणा से आई है तो हरियाणा की तो हमने राजधानी अभी पढ़ी थी इसी वीडियो में, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल आपके सत्यदेव हैं, आपके सत्यदेव नारायण हैं। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिएगा दोस्तों यही थे आज के करंट अफेयर हमारे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।